Good morning, student. This is your first class for grammar, and this video is for class 3rd and 4th both of the student. Okay, and your topic is noun and its type. Okay, you all know what is noun or definition of noun. ठीक है, noun का जो definition होता है वो होता है naming words are called noun. ठीक है, naming words are called noun. ठीक है, यहाँ एक word है naming word. What do you mean by naming word? नेमिंग वर्ड का मतलब होता है कि नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ के नेम को हम लोग नेमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं. नाउन का एक और डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा है, अ वर्ड्स दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग्स, प्लेस, पर्सन और एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, किसी भी थिंग्स के नेम को, प्लेस के नेम को, पर्सन के नेम को, एनिमल्स के नेम को हम लोग नाउन कहते हैं. ठीक है, हम लोग यहाँ नाउन के 5 टाइप्स को पढ़ेंगे. ठीक है, वैसे आपके आप लोग मोबाइल में देखोगे या फिर कहीं भी 8 टाइप्स 10 टाइप्स के नाउन भी दिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 5 टाइप्स के नाउन ही पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका कॉमन नाउन, सेकंड नंबर में है प्रॉपर नाउन, थर्ड में है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ में है अबस्ट्रैक्ट नाउन एंड 5 में है मटेरियल नाउन. कॉमन नाउन मीन्स इट इज़ यूज कॉमनली या फिर जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए. जैसे आपके क्लास में 80 स्टूडेंट हो, अगर 80 स्टूडेंट से बात की जाए, उनके बारे में बात की जाए, तो वो कॉमन नाउन में आ गया. ठीक है, ऑल बॉयज. ठीक है, आपके जैसे कंट्री हुआ, अगर सारी कंट्री की बात हो तो वहाँ कंट्री जो है वो कॉमन नाउन में आ गया, लेकिन अगर एक प्रॉपर इंडिया कंट्री की बात हो तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है. क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक स्पेशल चीज़ को इंडिकेट करता है. ठीक है, और प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. ओके, ये इसकी पहचान है. नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन जो होता है ग्रुप को इंडिकेट करता है, किसी भी ग्रुप को इंडिकेट करता है आपका कलेक्टिव नाउन. ठीक है, और इसका एग्जांपल हो गया फैमिली. अगर आपके फैमिली में कोई भी, किसी की भी फैमिली में एक मेंबर, जैसे आपके पापा हैं तो उनको फैमिली नहीं कहेंगे, आपकी पापा है, मम्मा है, दादा दादी, चाचा चाची, आप लोग सबको मिला के फैमिली होती है. तो फैमिली में क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं. जैसे यहाँ टीम है, टीम का मतलब क्या हुआ? जैसे क्रिकेट टीम, अगर टीम की बात हो तो वल्ली आप विराट कोहली के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, पूरे 11 के 11 क्रिकेट टीम के मेंबर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर, अबस्ट्रैक्ट नाउन. अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप ओनली फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं. अगर आपको भूख लगी है तो आपको भूख लगी है तो आप खुद भी उसको टच नहीं कर सकते हो, आपको फील होता है कि मेरे को भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए. ठीक है, तो वही होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, जिसको केवल फील किया जा सकता है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं. 5 नंबर में है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो कि तौल के हम लोग कुछ भी लाते हैं या फिर उसको मेज़र करके लाते हैं, जैसे शुगर हुआ, राइस हुआ, मिल्क हुआ, ये सब आपका आ गया मटेरियल नाउन. ठीक है, कुछ बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम नाउन का हिंदी क्या होता है, तो नाउन का हिंदी होता है संज्ञा. ठीक है, और संज्ञा को हिंदी में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी स्थान के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, ठीक है, किसी भी जानवर के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि 1 के हैं, 2 पढ़े नहीं है, 3 में आ गए हैं, लाइव क्लास भी नहीं किया है, वीडियो क्लास भी नहीं किया है, सो प्रॉब्लम हो गई है. इसलिए इस बार ना तो आप लोग लाइव क्लास मिस कीजिए, ना ही वीडियो क्लास मिस कीजिए. ठीक है, और जिनके पास भी बुक अवेलेबल नहीं है, बुक अवेलेबल कर लीजिए, खरीद लीजिए, ताकि हम लोग अपनी बुक को रेगुलर पढ़ लें. ठीक है ना, ओके, थैंक यू.